Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.3 from chapter percentage and its applications. इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज को देखते हैं, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला लिख दिया है, इसको आप समझ लेते हैं. तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रॉफिट क्या होता है. तो प्रॉफिट हमारा होता है जब हम, मान लीजिए कोई सामान, जैसे मान लो आप 5 रुपीज़ में एक पेन खरीद के लाए हो, ठीक है. आपने पेन कितने में खरीदा? 5 रुपीज़ में. उसे आपने 8 रुपीज़ में अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो इसे हम प्रॉफिट बोलेंगे. यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. आपने 5 में ख़रीदा एंड 8 में बेचा, तो क्लियर है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 3 रुपीज़ का. तो 3 रुपीज़ हमने कैसे निकाला? जितने में आपने बेचा, 8 में बेचा, तो 8 में से 5 में ख़रीदा था, तो 8 में से हमने 5 को माइनस किया, तो हमें प्रॉफिट होता है. क्लियर? सो एंड यहाँ पे 5 रुपीज़ में ख़रीदा, तो ये ख़रीदना हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और बेचा ये हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स, जैसे मतलब पेन आपने 5 का ख़रीदा, तो 5 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, 8 रुपीज़ में आपने फ्रेंड को बेचा, तो 8 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया. तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो क्लियर है, ज़्यादा में हम बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा. दैट मीन्स प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का बड़ा होना ज़रूरी है. अगर सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में बेचा वो कम है तो हमें लॉस होता है. क्लियर? तो सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला देखते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब तो आप समझ गए. नाउ अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है या आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट कितना है पता चल रहा है, ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है. जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जाम्पल ये उसी को लेकर देखते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि आप जैसे 5 रुपीज़ में आपने पेन को ख़रीदा, ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है. 5 में ख़रीदा तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 3 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो रहा है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, आपने कितने में बेचा है ना, पेन का सेलिंग प्राइस निकालिए. तो हम क्या करेंगे? जितने में ख़रीदा था उसे और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. 5 + 3 8, 8 रुपीज़ में बेचा, सेलिंग प्राइस आ गया. तो यही हम यहाँ यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. इसी तरह से प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस जब सॉल्व करना होगा तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. जैसे आपको पता नहीं है कि 5 रुपीज़ में कितने में ख़रीदा, ये भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है. आपको सिर्फ मालूम है कि 3 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है एंड 8 रुपीज़ में सेल किया गया है. सिर्फ आपको ये 2 चीज़ पता है कि 8 रुपीज़ में पेन को सेल किया गया और 3 रुपीज़ फायदा हो रहा है. तो कितने में ख़रीदा ये हमें फाइंड करने है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट निकालना. अगर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये इसका फार्मूला होता है. नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाएगा 1 + प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस सॉल्व करने के लिए भी हम इसी फार्मूला को यूज करेंगे. और इस फार्मूला को यूज करके कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चन में आप सीख लोगे. अब लॉस से रिलेटेड फार्मूलाज देखते हैं. तो सबसे पहले लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हमेशा आप ध्यान रखना, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, लॉस प्राइस के लिए, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, ठीक है. जैसे 5 रुपीज़ में हमने पेन खरीदा और 2 रुपीज़ में आपने बेचा, तो यहाँ पे तो आपको घाटे हो रहे हैं, तो 5 - 2 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. तो वही लॉस निकालेंगे तो कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, लॉस आ जाएगा. देन लॉस अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा CP माइनस लॉस. CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा तो फार्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. जब सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलता है. नाउ लॉस परसेंट निकालना अगर क्वेश्चन में है तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है. अगर लॉस नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको दिया लॉस परसेंट निकालिए, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें पहले लॉस निकालना होगा. तो लॉस के लिए फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्लियर? लॉस निकाल लेंगे, देन फार्मूला लॉस परसेंट निकालेंगे, तो इसका फार्मूला लिखेंगे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. क्लियर? क्वेश्चन में अगर आपको लॉस परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला बनेगा 1 - लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. इसी तरीके से अगर कॉस्ट लॉस परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसके लिए भी अगेन हम इसी फॉर्मूला का यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे लॉस के लिए। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ और भी आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹760 एंड सोल्ड इट फॉर ₹874, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रोहन ने ₹760 में कैलकुलेटर खरीदा, तो देखिए बॉट है, दैट मीन्स ये हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी निकल गया, तो सीपी इक्वल टू 760। सोल्ड इट फॉर, इसे बेचा 874 में, दैट मीन्स ये जो ₹874 है ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो पहले प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हमने देखा है तो प्रॉफिट हमेशा कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। आपको फार्मूला नहीं याद हो तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर समझने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे बिगर नंबर है ना, इस बिगर नंबर के जगह पे आप छोटा नंबर ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, इजी मतलब नंबर ले लो। इमेजिन करो इस रोहन के जगह आप खुद हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा इमेजिनेशन पावर अपना बढ़ाओ, जब इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। आप इमेजिन करो इस रोहन की जगह आपने एक यहाँ कैलकुलेटर दिया है, तो आपने कैलकुलेटर खरीदा, इसका रेट आप मान लो यहाँ पे 5 मान लो, 5 में खरीदा। अब देखो 760 है, ये 874 है, बड़ा नंबर है तो क्लियर है 5 से बड़ा नंबर यहाँ लेंगे। अब ये 5 में खरीदा और यहाँ सोच लो आपकी 8 में सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट लॉस हो रहा है, पहले ये सोचेंगे। तो क्लियर है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा प्रॉफिट, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस फार्मूला बन गया हमारा प्रॉफिट का। और जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लेकर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर ₹760, सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर ₹874। ठीक है, समझने के लिए कोई छोटा डिजिट लेके आप समझ सकते हैं, जब छोटे डिजिट में आपको समझ में आ जाए देन इसे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, आप ऐसे एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हो, जैसे ही सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ये बड़ा है, बड़े से छोटे को माइनस करके, सो एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला बन गया। नाउ लिख लीजिए यहाँ पे एसपी की जगह पे 874 माइनस 760, माइनस करेंगे दोनों को तो ये हमारा हो जाएगा ₹114, तो प्रॉफिट निकल गया ₹114। नाउ हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है क्वेश्चन में अगेन, सो लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला हमने क्या देखा, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है, तो इक्वल टू प्रॉफिट पहले, तो प्रॉफिट हो गया 114, सो यहाँ लिख लेंगे 114 अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 760 है, सो 760 इंटू 100%। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 2 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 76, 2 3 जार 6 एंड 2 8 जार 16, 38, ये हो गया हमारा 2 5 जार 10। अब 38 से 114 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 टाइम में डिवाइड हो जाता है, सो बन गया 3 इंटू 5%, तो इज इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पर आंसर 15% इज द आंसर। देखिए प्रॉफिट ₹114 का हो गया एंड प्रॉफिट परसेंट 15%। नाउ क्वेश्चन 2 इज, कीर्ति बॉट अ साड़ी फॉर ₹2500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2300, फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंट। तो सबसे पहले आप छोटा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 2500 के जगह पे अगेन हम 5 ले लेते हैं। अब तो मतलब ₹5 ये क्या है, बॉट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ₹5 में साड़ी खरीदा और यहाँ रख लीजिए आप ₹3 में साड़ी को सोल्ड किया, क्योंकि ये 2500 है, 23 छोटा नंबर है, सो इसकी जगह एक छोटा डिजिट लेंगे। ये बिगर है तो एक बड़ा एक छोटा नंबर हमने ले लिया। अब यहाँ इमेजिन कीजिए कि आपने ₹5 में साड़ी खरीदा, ₹3 में साड़ी को सेल किया, तो आपसे लॉस पूछा जा रहा है। तो देखिए क्लियर है, 5 में खरीद के ₹3 में हम सेल कर रहे हैं तो हमें तो घाटा ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है कैसे पता करेंगे, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फार्मूला भी बन गया। देन लॉस परसेंट निकालेंगे। क्लियर, सो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी गिवन है ₹2500, सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी गिवन है 2300। क्लियर, सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 2500 में से 2300 माइनस किया तो आ गया ₹200, दैट मीन्स 200 का लॉस हो रहा है, लॉस भी निकालना है एंड लॉस परसेंट। तो लॉस निकल गया। नाउ लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस हुआ 200, सो इसकी जगह पे 200 अपॉन सीपी लिखना है, तो सीपी है 2500, सो अपॉन में 2500 इंटू 100%। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। नाउ 25 से 100 डिवाइड करेंगे, 25 4 जार 100, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज 10. What is profit or loss in the following transactions? Also find profit percent or loss percent in each case. तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें आपको खुद से सोचना है कि प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, यदि क्वेश्चन में लॉस होता है तो उसके लिए हम लॉस परसेंट निकालते हैं, क्लियर। नाउ सब पार्ट 1 गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड फॉर 3250। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2500 में खरीदा गया एंड सोल्ड किया गया 3250 रुपीज़ में, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, दोनों में से आप क्या सॉल्व करोगे ये हमें सोचना है, ठीक है। तो हम कैसे सोचेंगे, अगेन क्या करेंगे जैसा आपको एग्जाम्पल बताया है ना, एग्जाम्पल में आप कोई छोटा नंबर ले लीजिए, कोई भी छोटा नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर चलिए अभी 10 ले लेते हैं, तो 2500। अब देखिए दूसरा नंबर जो है 2500 से बड़ा है, सो क्लियर है 10 से हमें बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ हम 15 ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए, बॉट फॉर 10 रुपीज़ में गार्डनिंग सीयर्स खरीदा, 10 रुपीज़ में आपने खरीदा, आपने खुद को एग्जाम्पल में सेट करो कि आप 10 रुपीज़ में सामान खरीद के ला रहे हो एंड 15 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो क्लियर है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सब पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और जब प्रॉफिट निकल जाएगा देन प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। एंड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इस ज़्यादा से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, दैट मीन्स ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट निकल जाएगा, एंड इसी के साथ प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ₹2500 गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 3250, क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, सो लिख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट तो आराम से बन गया फॉर्मूला हमारे पास, सेलिंग प्राइस बड़ा इसमें से इसको माइनस करना, दैट मीन्स एसपी माइनस सीपी। अब सेलिंग प्राइस है 3250 माइनस 2500, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹750। तो ये हमने प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट का आंसर निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तो उसके साथ प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ठीक है। लॉस होगा तो लॉस परसेंट, प्रॉफिट है सो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये हमारा फार्मूला हो गया, इज इक्वल टू। अब प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट लिखेंगे 750 अपॉन कॉस्ट प्राइस 2500 इंटू 100%। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 25 3 जार 75 होता है, सो 3 एंड ये 1 जीरो, तो इजकल टू 30% इज द प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों ही आंसर आ गए। नाउ सब पार्ट 2 इज अ शर्ट बॉट फॉर ₹750 एंड सोल्ड एट ₹450। तो अगेन देखिए ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इस बड़े नंबर की जगह आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए, छोटे मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे यहाँ इसकी जगह हमने 10 ले लिया, ये बिगर नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो दैट मीन्स 10 से एक छोटा नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि आपने एक शर्ट को ख़रीदा 10 रुपीज़ में एंड 8 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, ठीक है। आपने 10 में खरीद के लाते हो, 8 रुपीज़ में किसी को बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो क्लियर है कि हमें लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करने हैं, लॉस, और लॉस के साथ हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट भी निकालने हैं। और दूसरा देखिए, अब लॉस आपसे पूछा जाए कि आपने 10 में खरीदा 8 में बेचा, तो कितने का आपको लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 में से 8 को माइनस करेंगे, ₹2 का लॉस हुआ। सेम वर्क हमें यहाँ पे करना है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस निकल जाएगा, क्लियर। सो लिख लेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन है 750, लॉस सेलिंग प्राइस गिवन है 450, इसे माइनस किया तो आ गया ₹300, ठीक है। तो क्वेश्चन में 300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लेंगे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस हुआ 300, तो लॉस की जगह 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस 750 है तो वो लिख लिया मैंने, इंटू 100%। अब ये देखिए 0 से 1 जीरो कैंसिल किया। नाउ 5 से डिवाइड किया मैंने, 5 6 जार 30, 5 से 75 को डिवाइड किया 15, अब 3 से डिवाइड किया, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब इस 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स में, सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40%। सो लॉस हो गया 300 का एंड लॉस परसेंट कितना बना 40%। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज राजेंद्र बॉट वन चेयर फॉर रुपीज 4800 एंड द अदर फॉर रुपीज 3640. He sold the first share at a gain of 13 whole 1/3% and the other at a loss of 15%. How much did he gain or loss in the whole deal? कहा जा रहा है कि 2 शेयर खरीद के राजेंद्र ला रहा है, एक 4800 का और एक 3640 रुपीज का। देन आगे कह रहा है कि फर्स्ट शेयर जो खरीदता है उस पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 13 1/3%। तो फर्स्ट शेयर 4800 है, यानी कि इस 4800 पे ये परसेंटेज 13 1/3% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। एंड जो दूसरा शेयर ला रहा है खरीद कर 3640 रुपीज़ का, इस पे इसे लॉस हो रहा है 15% का। तो हमें बताना है कि पूरा दोनों मिलाकर, दोनों शेयर को मिलाकर, क्योंकि यहाँ तो आपको क्लियर दे रखा है एक शेयर पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो इसे टोटल लॉस हुआ या टोटल प्रॉफिट हो रहा है ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, गेन निकालना है वो या लॉस निकालना हो, तो उसके लिए हमें फार्मूला पहले सोचना होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है, सेलिंग प्राइस नहीं है, सो सेलिंग प्राइस निकालना होगा। इसी तरह से यदि अगर लॉस होता है तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस तो यहाँ भी आ रहा है, हमें सेलिंग प्राइस सबसे पहले फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपको निकालना है ना, पहले उसका फार्मूला आप सोचिए कि इस फार्मूला में क्या क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें पहले किसे सॉल्व करना है। तो आपने देख लिया, गेन के लिए भी सेलिंग प्राइस चाहिए, अगर लॉस हो रहा है क्वेश्चन में तो भी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहले हम चेयर का, दोनों चेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है या टोटल लॉस हो रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट शेयर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शेयर इज इक्वल टू रुपीज 4800 गिवन है, गेन परसेंट गिवन है 13 होल 1/3%। इसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया 40/3%। जब क्वेश्चन में गेन परसेंट आपको गिवन हो तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 4800, सो यहाँ 4800 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया है 40/3%। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40/3 इंटू ये 100 लिखा है, सो 100 लिख लिया। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, सो ये हो गया 2/3 इंटू 5 15, सो लिख लेंगे 48 इंटू 1 प्लस 2/15। अब तो क्लियर है, इसे हमें पहले सॉल्व करना होगा। सो ये हो जाएगा हमारा 4800 एंड इन ब्रैकेट्स में 1 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 मानते हैं, तो 1 एंड 15 का एलसीएम यहाँ 15। नाउ नीचे जो 1 है उस 1 से 15 डिवाइड करते हैं तो 15 ही आएगा, 15 इंटू इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 15 से 15 डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट हो जाएगा 4800 इंटू का साइन लेंगे बिकॉज अब ये सॉल्व हो गया, 15 प्लस 2 17/15। अब इस 15 से हम 4800 को डिवाइड करेंगे, जब आप इससे 15 से 4800 डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है आपका 320। नाउ 320 इंटू 17 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 17 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 जार 0। नाउ 17 इंटू 2 34 का 4 कैरी 3 34 का 4 3 बचा हमें कैरी। नाउ 17 इंटू 3 51 प्लस 3 54, सो ये यहाँ रुपीज लिख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट टर्मिला का निकल गया 5440 यानी कि 5440 रुपीज़। अच्छा, ये मल्टीप्लाई किया इसे हमने किया है इस एक लाइन में, वो भी मैं आपको साथ के साथ सिखलाती हूँ जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। तो यहाँ रफ में मैं दिखाती हूँ आपको जैसे कैसे किया था। जैसे 320 17 से इंटू करेंगे, अब आप कैसे करोगे, पहले 7 से करोगे देन 1 से करोगे। स्पीडली हम कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल लर्न होना जरूरी है। तो देखिए पहले सीधा 17 से 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 17 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। नाउ इस 17 से 2 को इंटू किया रहेंगे तो 17 इंटू 2 34 होता है, 34 का 4 कैरी 3। अब 17 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 51 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो ये बन गया ना 54। तो देखिए 5440 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट शेयर का सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ सेकेंड शेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो पहले कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड चेयर, ये हमारे पास गिवन है ₹3640 एंड लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 15% गिवन है। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू जो फार्मूला हमने यहाँ प्रॉफिट के लिए यूज किया है इसी को लिखेंगे, बस प्लस के जगह माइनस देंगे एंड प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस लिखेंगे, ठीक है। सो CP इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100, अब ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस, अब लॉस परसेंट कितना है 15%, सो यहाँ लिख लेंगे 15/100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हाँ कॉस्ट प्राइस भी तो 36,400, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 36,400, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 36,400 इंटू LCM लेंगे तो 100, ये बन गया आपका 100 माइनस 15, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36,400 इंटू, अब 100 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85/100। नाउ डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5s are 10, 2 से 364 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 2 1s are 2 8s are एंड 2 2s are 4। 5 से अब 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 5s are 85, 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया। नाउ 182 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹3094। अब यहाँ पे आप समझिए सेकेंड चेयर का सेलिंग प्राइस निकल गया, फर्स्ट चेयर का ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस दोनों चेयर का मालूम है। तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस निकालने के लिए पहले हमें पता करना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा एंड टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। सो दोनों चेयर के कॉस्ट प्राइस को ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे टोटल CP ऑफ बोथ चेयर, दोनों चेयर के लिए टोटल CP क्या हो जाएगा। तो दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, उसे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट चेयर का कॉस्ट प्राइस गिवन है 4800 प्लस सेकेंड चेयर का कॉस्ट प्राइस 3640, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ₹4086,14,447 and 18, 8,440 रुपीज़, यानी कि दोनों चेयर को कितने में खरीदा गया था, 8,450 रुपीज़ में। इसी तरह से अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे और बोथ चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो फर्स्ट चेयर का सेलिंग प्राइस निकला था 5440 प्लस सेकेंड चेयर का सेलिंग प्राइस 3094, यहाँ पे रुपीज़ भी ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹8534। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस। अब इसमें देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट की जगह चाहो तो गेन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो टोटल SP है 8534, सो लिख लेंगे 8534 माइनस 8440, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा ₹94 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, क्वेश्चन 5, इन अ फर्नीचर शॉप 24 tables were bought at the rate of 4500 per table. The shopkeeper sold 16 of them at the rate of ₹6,000 per table and remaining at the rate of ₹4,000 per table. Find his gain or loss percent. तो gain हो रहा है या loss हो रहा है ये हमें देखना है, तभी gain या loss percent निकाल सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 24 टेबल खरीदता है, ठीक है, तो एक टेबल का कॉस्ट 4500 रुपीज़ है। तो 24 टेबल का कॉस्ट क्या होगा, 1 का दिया है, 1 टेबल का कॉस्ट दिया है, 24 टेबल का कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, दैट मीन्स 24 से 4500 इंटू कर देंगे तो हमें 24 टेबल कितने में टोटल खरीदा है उसका कॉस्ट निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है इस 24 टेबल में से 16 टेबल को 6000 पर टेबल, यानी कि 1 टेबल को 6000 में बेचता है, तो 6000 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 16 टेबल को बेच रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 16 चेयर के लिए क्या, 16 टेबल के लिए क्या हो जाएगा, 1 टेबल का सेलिंग प्राइस 6000 है तो 16 का 16 इंटू 6000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो चेयर बच गया, 24 में से 16 बेच दिया तो बचा कितना, तो 24 माइनस 16 कर दीजिए तो 8 टेबल बच रहा है अभी और, तो जो रिमेनिंग है यानी कि 8 टेबल जो बच गया उस 8 टेबल को वो 4000 पर टेबल के हिसाब से बेचता है। तो ऐसे मतलब जो 8 टेबल बच रहे हैं उसमें से एक टेबल का को 4000 में बेच रहा है तो पूरा 8 टेबल बच रहा है। तो 8 टेबल कितना में बिकेगा तो 8 × 4000 कर देंगे तो 8 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेलिंग प्राइस निकल रहा है, एक तो 16 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल रहा है और दूसरा 8 टेबल का सेलिंग प्राइस निकल रहा है। तो क्या करेंगे दोनों को सेलिंग प्राइस को ऐड करके हम पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो अब उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकल गया 24 × 4500 कॉस्ट प्राइस निकल गया, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा दोनों। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देख के हम पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस परसेंट सॉल्व करेंगे। सो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल ये गिवन है 4500 रुपीज़ एंड टोटल 24 टेबल खरीदता है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 टेबल क्या हो गया 45 × 2400 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹1,08,000 कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारे पास। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस 16 टेबल, तो 16 टेबल में वन टेबल 6000 का बेच रहा है तो 16 टेबल कितने का बिकेगा 6000 × 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ₹96,000। बचे हुए 8 टेबल को बेचता है 4000 × 8 है ना, जो 8 टेबल बच रहा है उसमें एक टेबल का को बेच रहा है 4000 में तो 8 टेबल कितने में बिकेगा 4000 × 8 कर देंगे तो ये हो गया ₹32,000। तो ये दो सेलिंग प्राइस हमारे पास है तो दोनों टोटल करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू ऐड किया दोनों को 96,000 प्लस 32,000 इक्वल टू 1,28,000। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस, हम दोनों में कौन छोटा बड़ा है 1,08,000 में खरीद रहा है 1,28,000 में बेच रहा है तो क्लियर है बेचना ज़्यादा में बेच रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1,28,000 लिख लिया माइनस 1,08,000 कॉस्ट प्राइस माइनस किया ₹20,000 यानी कि उसे टोटल 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट के लिए बात कहा गया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट हुआ 20,000 सो 20,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो हमने यहाँ निकाला था टोटल 24 टेबल का कॉस्ट प्राइस ये लिख लेंगे इंटू 100%। अब ये 30 से 30 डिवाइड कर दिया, नाउ 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 से 108 को डिवाइड करेंगे तो 27, 4×5 = 20। अब ये डिवाइड नहीं होगा सो 5 × 100 500 अपॉन 27%। नाउ 27 से 500 को डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाता है 18 होल 14 अपॉन 27% इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।